आज हम पढ़ेंगे स्नेक बाइट का मैनेजमेंट, टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको स्नेक बाइट का मैनेजमेंट पता होना चाहिए, और अगर आप एक लेमैन भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर हम जो अप्रोच यूज करते हैं वो है राइट अप्रोच। आर स्टैंड्स फॉर रीअश्योरेंस, आई स्टैंड्स फॉर इमोबिलाइज, GH stands for go to the hospital immediately and T stands for tell the doctor any symptoms that manifest on the way to hospital. तो सबसे पहले है reassure the patient। तो आपको देखिए जैसे ही snake bite करता है तो patient को क्या होता है ना, anxiety होती है, anxiety या फिर fear की वजह से heart rate बढ़ जाता है। heart rate बढ़ने की वजह से जो blood का flow है, blood सर्कुलेशन है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेनम है स्नेक वेनम, उसका फास्ट स्प्रेड होता है बॉडी में, और फास्ट स्प्रेड की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एंजाइटी की वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब आपको पेशेंट को कैसे रीअश्योर करना है, आपको बताना है कि जो स्नेक बाइट होती है, ज़रूरी नहीं है आपको वेनमस स्नेक ने काटा हो, 70% जो बाइट होती है वो नॉन वेनमस स्नेक की होती है। अगर आपको वेनमस स्नेक ने काटा भी है तो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल बाइट हो, हो सकता है वो ड्राई बाइट हो, मतलब वेनम बॉडी में गया ही नहीं है। और अगर आपको एक्चुअली में एनवेनमेट हुए हो आप, मतलब एक्चुअली में बाइट हुआ है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, घबराने की बात नहीं है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, रीअश्योर करना है पेशेंट को, पेशेंट को एंजाइटी नहीं होने देनी है। इसके बाद देखिए आपको पता होना चाहिए दो टाइप के स्नेक होते हैं, वेनमस और नॉन वेनमस। वेनमस में भी हीमोटॉक्सिक स्नेक होते हैं और न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक मतलब ये ब्लीडिंग कॉज करेंगे, क्या करेंगे, ये ब्लीडिंग कॉज करेंगे। तो जो वाइपर स्नेक्स होते हैं, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, हम्प नोज वाइपर, ये ब्लीडिंग करते हैं। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज रसल वाइपर, दिस इज सॉ स्केल्ड वाइपर एंड दिस इज हम्प नोज वाइपर। तो आप यहाँ पे इसकी नोज देख सकते हैं, हम्प नोज वाइपर। अब जो हमारे न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक में आते हैं हमारे कोबरा एंड क्रेट, ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कराते हैं। तो कोबरा तो आप सभी पहचानते होंगे, एंड ब्लैक कलर का होता है विद लाइनिंग, देखिए वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं, ये होता है हमारा क्रेट। अगर सांप ने काटा है तो आप देख सकते हैं कि वो वेनमस स्नेक था या नॉन वेनमस स्नेक ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंस फ्रॉम द ट्रेजर विच आई गॉट फ्रॉम पेप्लाडर। तो यहाँ पर एक ट्रेजर है जिसमें वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक का डिफरेंस दिया गया है। जो हमारे वेनमस स्नेक होते हैं वो रात को काटते हैं, नॉक्टर्नल हैबिट होती है उनकी, और नॉन वेनमस स्नेक की कोई स्पेसिफिक हैबिट नहीं होती। हेड स्केल्स स्मॉल होते हैं इन केस ऑफ वेनमस और लार्ज होते हैं इन केस ऑफ नॉन वेनमस स्नेक। इसके तीन एक्सेप्शन हैं, पिट वाइपर, कोबरा एंड क्रेट। हेड स्केल्स के बाद बेली स्केल्स, बेली स्केल्स लार्ज हैं इन वेनमस और स्मॉल हैं नॉन वेनमस में। टेल की अगर हम बात करते हैं, कंप्रेस्ड टेल होती है इन वेनमस, नॉट कंप्रेस्ड इन नॉन वेनमस। फैंग्स, जो फैंग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, देखिए जो फैंग्स हैं ये लॉन्ग हैं इन वेनमस, और फैंग्स शॉर्ट एंड स्मॉल ग्रूव टीथ होते हैं यहाँ पर नॉन वेनमस में। तो इसी के बेसिस पे जो बाइट मार्क होता है, तो बाइट मार्क वेनमस स्नेक का टू फैंग मार्क होता है, और जो नॉन वेनमस स्नेक होता है उसके बाइट मार्क में स्मॉल टीथ मार्क्स होते हैं, मल्टीपल टीथ मार्क्स होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक। सो नाउ आफ्टर रीअश्योरिंग द पेशेंट, आपको इमोबिलाइज करना है पेशेंट को। देखिए तो जिस लोकेशन पर काटा है, जैसे यहाँ पर काटा है सांप ने, तो आपको इस पैर को इमोबिलाइज करना है लाइक अ फ्रैक्चर्ड लिम, ठीक है। मोस्टली जो सांप होते हैं वो हाथ या पैर पर काटते हैं, तो आपको उस पार्ट को इमोबिलाइज करना है। पेशेंट को वॉक नहीं करना है। अगेन वॉक करने से क्या होगा, वॉक करने से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या होगा, स्प्रेड होगा वेनम। तो आपको वॉक
नहीं करना है, पेशेंट को वॉक नहीं करना है। अब नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टूनी के अप्लाई नहीं करना है। देखिए क्या होता है ना, काफ़ी जगह ये माना जाता है कि अगर सांप ने काटा है तो वेनम स्प्रेड ना कर जाए बॉडी में, इसलिए यहाँ उसके ऊपर टाइट से कुछ बांध दीजिए, ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर आप कुछ भी रस्सी बेल्ट कुछ भी बांध देंगे तो क्या होगा, जो इतने पार्ट की ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी, इसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है एंड देन नेक्रोसिस और प्रेशर नेक्रोसिस हो जाएगा, तो आपको ये नहीं करना है। डोंट सक द वुंड, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, दिस इज़ नॉट एडवाइज्ड। और आपको वुंड को कट भी नहीं करना है, तो आप काट कर वेनम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा भी नहीं करना है। तो इमोबिलाइज कर दिया है, तो वी हैव रीअश्योर द पेशेंट, हमने पेशेंट को इमोबिलाइज कर दिया है। अब आपको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है जल्दी से जल्दी, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए। और फाइनली आपको अगर पेशेंट को रास्ते में ले जाते हुए कोई भी सिम्टम्स आते हैं, ब्लीडिंग आती है या किसी तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें डॉक्टर को बतानी है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। सो नाउ यू आर अ डॉक्टर और आपके पास एक पेशेंट आया है स्नेक बाइट का, टूर्निके अप्लाई कर गाइडलाइंस है टूर्निके अप्लाई नहीं करनी है, बट फिर भी पेशेंट ने टूर्निके अप्लाई कर रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस टूर्निके को कट नहीं करना है। अगर आपने टूर्निके कट कर दिया तो क्या होगा, एकदम से जो वेनम है, जो पॉइजन है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा और डायफ्रामेटिक पैरालिसिस और पेशेंट का बीपी एकदम से गिर जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये है पेशेंट का हैंड और यहाँ पर पेशेंट को स्नेक बाइट है, यहाँ पर पेशेंट ने टाइट से रोप बांधी हुई है, रस्सी बांधी हुई है, तो आपको क्या करना है, इस रस्सी को काटना नहीं है, आपको पहले बीपी कफ लेना है और इस रस्सी के प्रॉक्सिमली आपको उस बीपी कफ को इन्फ्लेट करना है। बीपी कफ का जो प्रेशर है वो इस रस्सी के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अब जब आपने बीपी कफ को इन्फ्लेट कर दिया है, अब आप इस रोप को कट कर देंगे, कट करने के बाद आपको बीपी कफ को धीरे धीरे डिफ्लेट करना है, ग्रेजुअली डिफ्लेट करना है, धीरे धीरे बीपी कफ का प्रेशर कम करेंगे तो जो वेनम है वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा, बट बाय द टाइम आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो बीपी कफ अगर पेशेंट टूर्निके अप्लाई करके आता है तो आपको उसको ऐसे मैनेज करना है। इसके बाद पेन रिलीफ के लिए पेशेंट को पैरासीटामोल देनी है, और जो मेन स्टे ट्रीटमेंट होता है स्नेक बाइट का वो होता है एंटी स्नेक वेनम, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। पॉलीवेलेंट क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये न्यूट्रलाइज करता है कोबरा वेनम को, क्रेट वेनम को, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर के वेनम को। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक पोटेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो हमारे जो पॉलीवेलेंट एएसवी है वो हम्प नोज वाइपर के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब देखिए ये हमारी वाइल होती है एंटी स्नेक वेनम की, ये हमारी एंटी स्नेक वेनम की वाइल है, ऐसी 6 to 30 वाइल्स यूज होती हैं इन केस ऑफ स्नेक बाइट मैनेजमेंट, एंड ये जो डोज है ये सेम फॉर एडल्ट प्रेग्नेंट एंड चिल्ड्रन, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग नंबर ऑफ वाइल्स यूज होती हैं। अब नेक्स्ट है बाइट टू नीडल टाइम, बाइट टू नीडल टाइम इज लेस देन 4 आवर्स, मतलब जब सांप ने काटा है और आपको जो एंटी स्नेक वेनम एडमिनिस्टर करना है विद इन 4 आवर्स करना है, लेकिन अगर 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे, तभी भी आपको करना है, बट गाइडलाइंस ये कहते हैं विद इन 4 आवर्स एंटी स्नेक वेनम एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए। अब ये जो एंटी स्नेक वेनम है इससे क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, तो इस एनाफाइलेक्टिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या एडमिनिस्टर करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड फेनिरामिन, लेकिन अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक फिर भी हो गया तो हम आईवी एड्रेनलिन देते हैं 1:1000 के रेशियो में बोलस। एंटी स्नेक वेनम के साथ साथ आपको नियोस्टिग्मिन और वेंटिलेटर सपोर्ट देना चाहिए पेशेंट को।